अभी क्रूस चुंबन और पवित्र जल का छिड़काव होगा। सामान्यतः यह धर्म विधि महागिरजा घर के द्वार पर संपन्न होती है, लेकिन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन लोयोला मैदान में किया जा रहा है। जब नवनियुक्त धर्माध्यक्ष अपने धर्म प्रांत में प्रथम बार आते हैं तो विधिवत उसे सबसे पहले महागिरजा घर लिया जाता है, क्योंकि यह उसका अपना पल्ली होता है। महागिरजा घर के द्वार पर ही पहली बार उस धर्म प्रांत के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष उसको महागिरजा घर के अध्यक्ष या डीन को प्रस्तुत करते हैं, जो क्रूस और पवित्र जल लिए खड़े रहते हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सबसे पहले क्रूस को चूमते हैं, फिर पवित्र जल का छिड़काव अपने ऊपर और लोगों के ऊपर करते हैं। धर्माध्यक्ष के द्वारा क्रूस का चुंबन ईसा मसीह के प्रति उसकी भक्ति और श्रद्धा को दिखाता है, जो हम सबों की मुक्ति के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान कर दिए। पवित्र जल का छिड़काव हमें पवित्र करता है, पापों से धो डालता है और याद दिलाता है कि हम बपतिस्मा संस्कार में पवित्र जल के छिड़काव से ही कलीसिया के सदस्य बनते हैं। दूसरों पर पवित्र जल का छिड़काव यह दर्शाता है कि हम सब बपतिस्मा संस्कार के द्वारा